आज जैसे ही मैं सुबह नहा धो करके बाहर निकली ना अपने हेयर्स को सुखाने के लिए धूप में, तो बस ये भैया आ गए और प्लांट को देख करके मेरा मन ना ललचाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी 3 एरिका पाम है मेरे पास में, और फिर भी ये काफ़ी बड़ा एरिका पाम था इनके पास में, तो इसे लेने का मेरा मन था और फाइनली इसे मैंने ले भी लिया। बहुत ही अच्छी डील रही मेरी, ये मुझे इन्होंने दे दिया 200 में केवल। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि मैं अपने एरिका पाम की केयर किस तरह से करती हूँ, वन अपने जो भी मेरे गार्डन में प्लांट हैं उनकी केयर मैं किस तरह से करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उन पर मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगी। ये एक ना काफ़ी मैच्योर प्लांट था, बहुत सारी स्टेम्स इसमें आई हुई थी और प्लांट भी अच्छा खासा बड़ा था। जनरली 200 में कोई भी एरिका पाम को ना देने के लिए रेडी नहीं होता, इतने बड़े एरिका पाम को। और इसमें ना न्यू लीफ भी आ रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया फाइनली। और जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो आप लोगों के साथ में एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी के साथ में मैंने कुछ छोटे प्लांट्स भी लिए, सीजन के प्लांट्स, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी जब मैं इन्हें रिपोर्ट करूँगी। और इधर चल रही है दोनों बच्चों की ऑनलाइन क्लास, वंश ने तो अपना डोर बंद ही कर रखा है। मैं हो गई हूँ आर्य समाज के फंक्शन में जाने के लिए रेडी। एक्चुअली हमारे यहाँ 3 दिन का फंक्शन होता है आर्य समाज का, और कल से स्टार्ट था, कल मैं नहीं गई थी, आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो आज मैं जाऊँगी। वहाँ पे महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम है और कल भी जाएंगे, कल कार्यक्रम का समापन है, तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ किस तरह से हमारे यहाँ फंक्शन होता है। एक्चुअली मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, वो आर्य समाज को बहुत ज़्यादा मानते थे और इस मंदिर का सारा काम भी उन्होंने ही करवाया है। इवन पूरा डेवलपमेंट, यहाँ पर जो भी रूम्स वगैरह बनवाए हैं या फिर टॉयलेट वगैरह, सब कुछ पापा ने ही करवाया है। तो हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं, हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पर चंदा वगैरह भी दिया जाता है हर साल, और हम इस फंक्शन को जरूर अटेंड करते हैं एवरी ईयर। विश्व का कल्याण हो, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीरों और वीरांगनाओं की।
कार्यक्रम खत्म होने के बाद में होता है प्रसाद का वितरण। सभी कार्यक्रम में एक्चुअली ऐसी तरह से होता है, प्रसाद तो लास्ट में मिलता ही है। और यहाँ से मुझे जाना था पार्लर, काफ़ी लेट हो गई थी मैं, ऑलरेडी 6:30 हो चुके थे। और फिर मैं भागी भागी जल्दी पार्लर में गई। एक्चुअली लेट इसलिए लग रहा था क्योंकि नाइट के खाने की कोई तैयारी नहीं की थी मैंने, और लकीली इस टाइम पर पार्लर में कोई नहीं था। वैसे तो मैं पहले अपॉइंटमेंट लेकर के गई थी, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि वेट वगैरह करना पड़ जाए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आज ना मेरा गला थोड़ा ख़राब है और वॉइस आप लोगों को मेरी चेंज लग रही होगी, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि फेशियल वगैरह कराने के बाद ना मुझे जनरली कोल्ड हो ही जाता है, क्योंकि मैं ना थोड़ा ठंड की मरीज़ हूँ, इन द सेंस कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मेरे से ठंड बर्दाश्त नहीं होती। और गर्मी मुझसे कितनी भी बर्दाश्त करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन मैं बिना पंखे के भी मतलब बैठ जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठंड नहीं हो पाती मेरे से बर्दाश्त। अभी अभी जस्ट आई हूँ मैं पार्लर से, और साथ में देखो कितनी सारी सब्जियाँ और फल भी लेकर के आई हूँ। और अब मुझे बनाना है सबसे पहले खाना। यम्मी यम्मी सिंगाड़े। वान्या बेटा अभी पहले वॉश करने हैं, अभी नहीं लो। ओके मम्मा। वान्या सारे सिंगाड़े ना इसमें कर लो बेटा, फिर मैं वॉश कर लूंगी। अभी 2 मिनट रुको, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर वॉश करूंगी। ओके ओके मामा। जब तक इसे सिंगाड़े नहीं मिलेंगे ना, ये खड़ी नहीं होने वाली यहाँ से। वैसे तो रात का टाइम है, मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सिंगाड़ा जैसी चीज़ ना, सिंगाड़ा हुआ बनाना हुआ, ये सब ठंडी होती हैं। अब ठंडई का सीज़न आ गया है ना, कि नाइट में अवॉइड करती हूँ, बट फिर भी एक दो दूंगी, क्योंकि ये मानेगी तो है नहीं बिल्कुल भी। करती हूँ आज अपने ब्लॉग को एंड यहीं पर, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो ना लाइक ज़रूर करिएगा।